उज्जैन आरओ एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पानी व्यवसाय को खाद्य विभाग से जोड़े जाने और लाइसेंस की अनिवार्यता पर प्रसन्नता जताते हुए प्रतिवर्ष डीजल बिजली बिलों की बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए आरओ पानी की 20 लीटर की कैन पर 5 बढ़ाने का निर्णय लिया। इसको लेकर आयोजित एक प्रेस वार्ता में एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष बैरागी ने पत्रकारों को बताया कि पानी का मानव जीवन में कितना महत्व है। शहर के कई क्षेत्रों में पेयजल की समस्या बनी रहती है, वहीं कई स्थानों पर शुद्ध पेयजल नहीं मिल पाता है, जिसके चलते बीमारियां को फैलाने का अंदेशा बना रहता है। इसके लिए शुद्ध और साफ पानी की आवश्यकता पड़ती है। तात्कालीन समय में कई लोग आरओ चिल्ड वाटर के व्यवसाय से जुड़ गए हैं। इस व्यवसाय को चलाने के लिए एक प्लांट लगाने के साथ ही कमर्शियल बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है। वहीं पानी के परिवहन के लिए चलने वाले चार पहिया वाहनों में लगने वाले डीजल और बिजली के बढ़ते दामों के बावजूद पानी के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए शहर के आरओ प्लांट व्यापारियों की सहमति से प्रतिदिन केन लेने वालों को 25 व एक दिन छोड़कर लेने वालों को 30 मिनिमम चार्ज 300 प्रति माह करने तथा शादी पार्टी में 50,000 से कम मांगने वाले पर 100 अतिरिक्त भाड़ा तय किया है। जिन लोगों का खुद का प्लांट नहीं है उन्हें 10 प्रति केन के हिसाब से पानी भर कर दिया जाएगा तथा पंचकोशी परिक्रमा में निशुल्क आरओ पानी की व्यवस्था की जाएगी। शहर में किसी के यहाँ गमी होने पर उठवाने के दिन निशुल्क आरओ पानी की व्यवस्था की जाएगी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। ये जो हमने एकत्रित करा इसलिए करा है कि हम चाहते हैं कि हमारे उज्जैन में जितने भी भाई प्लांट वाले जितने भी लोग हैं सभी एक रेट रखें और अच्छा पानी दें, स्वच्छ पानी दें। यहाँ पे आज अगर उज्जैन में उस टाइम पर हमारे यहाँ पे आज 2014 में देखा जाए तो 30 प्लांट हुआ करते थे, आज 200 प्लांट है। तो भैया कौन कैसा पानी दे दिया, कोई 15 रुपये में रख दिया है, कोई 10 रुपये में रख दिया, कोई 25 रुपये में रख दिया, कोई 20 रुपये में रख दिया है। इसका ये महत्व है कि जब हमने प्लांट चालू किया, जब हमारा प्लांट का जो 2014 और जो 2013 का रेट था उस टाइम पर 35 रुपये से 30 रुपये के लगभग था, और आज जो रेट है वो 15 रुपये 25 रुपये या 13 रुपये ऐसा, तो सभी का रेट एक हो जाए और सब स्वच्छ पानी दे। जिसमें TDS मीटर रहता है, जो कि हम चाहते हैं कि 100 से 150 TDS का पानी लोगों को मिले और स्वच्छ पानी मिले। हेलो, मेरा नाम आशीष बैरागी, मैं अध्यक्ष हूँ। संगठन हमने बनाया है तो उसके विषय में यहाँ चर्चा की गई है। जो बाज़ार में 10-15 रुपये में पानी बेच रहे हैं, अशुद्ध पानी बेच रहे हैं, कैसे ही भर के ला के और ग्राहक तक पहुँचा रहे हैं। जो प्रजेंट के आरओ प्लांट वाले हैं उनकी जो है क्वालिटी और उनकी बात ख़राब हो रही है। बाज़ार में के सारे प्लांट वाले ऐसे ही पानी बेच रहे हैं। इसी को लेकर हमने संगठन बनाया है कि ताकि बाज़ार को शुद्ध पानी मिल सके और उच्च क्वालिटी का और गुणवत्ता वाला पानी सभी को पहुँचे। इसके लिए क्या कॉस्टिंग अभी बाज़ार में 15-20 रुपये जिसका मना है वैसा पानी मिल रहा है। हम सोच रहे हैं कि एक संगठन बन के बाज़ार में पूरे पानी का एक ही रेट रहे और उज्जैन शहरवासियों को स्वच्छ और साफ जल गुणवत्ता वाला प्राप्त हो। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों को दरकिनार करते हुए अगर बेचते हैं कम रेट में, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, ऐसे लोग हैं सर जो अब ये व्यापार है सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि सभी को संगठित होकर उन लोगों को भी संगठन में लाएं, ताकि हमारा ये है कि सभी लोग अपना धंधा करें और अच्छी क्वालिटी में माल बेचें। सभी को संगठन में लाने का हमारा मतलब यही है कि अभी जो अलग अलग हैं उन लोगों को लाएं। अभी किसी को पता नहीं है, वो अलग व्यक्ति धंधा कर रहा है, दूसरा अलग कर रहा है, क्योंकि अब अभी लोग असंगठित हैं। सब लोगों को संगठन में लाएंगे तो एक जैसा काम होगा। आपका नाम और संगठन का पोस्ट बताओ। सुनील कौशल, उपाध्यक्ष, उज्जैन आरओ एसोसिएशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।